गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट योर क्लास। आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गया। सेकेंड यूनिट तक आपके पास वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों पहुंच चुकी हैं। तो थर्ड यूनिट है जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें आता है फर्स्ट टॉपिक फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फैक्टर्स की डेफिनेशन देखिए। फैक्टर इज अ नंबर, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है वही उसका फैक्टर्स कहलाता है। सेकेंड है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, तो मल्टीपल की डेफिनेशन देख लीजिए। मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मल्टीपल्स ऐसा नंबर होता है इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर से जब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नंबर अपन को मिलता है वही उसका मल्टीपल कहलाता है। और इसी मल्टीपल और फैक्टर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी नीचे दिए हुए नंबर्स का ईच नंबर्स यानी प्रत्येक नंबर का अपन को फाइव मल्टीपल्स देना है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन को करेंगे सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट राइट फाइव मल्टीपल ऑफ द नंबर, मतलब नीचे के दिए हुए नंबर से अपन को फाइव मल्टीपल्स देना है। फर्स्ट ले लीजिए आप 15। इस तरीके से लिखेंगे मल्टीपल्स को इनके, देख लीजिए फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स को 15 B multiply with Y 1, 2, 3, 4 and 5। यानी किसी भी नेचुरल नंबर से जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या हुआ। ना 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 15, 30, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 and 15 × 5 = 75, यानी 1, 2, 3, 4, 5 फाइव मल्टीपल से आपके हो गए 15 के। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, इसमें लास्ट में आप लिख दीजिए क्या लिखेंगे इसमें लास्ट में, हेंस 5 multiples of 15 is क्या है, देख लीजिए सबके सब लिख देंगे अपन 15, 13, 45, 60 and 75 यही आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 40। 40 यानी डी वाला जो है वो वैसे तो पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा, बट आपको भी करने की कोशिश करना है पूरी तरह से। पीडीएफ पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, पहले आप करने की कोशिश करना, जब नहीं आए तब आपको पीडीएफ देखना है। अब है नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन राइट
फेटर्स वॉग ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसा कि अपन ने डेफिनेशन भी देखी थी, इसी का बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अपन को इसका फैक्टर निकालने, ठीक है, फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं सिंपल, जिस भी डिजिट से जिस भी नेचुरल नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। क्या फैक्टर कहलाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 एंड सो ऑन, ठीक है। सेकेंड है आपका बी वाला 64, जिसको कि आप ही को करना है, और बाकी पीडीएफ के थ्रू तो मैं हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी, बट आपको करने की कोशिश करना है पहले पूरी तरह से, आप पीडीएफ पढ़ते हुए नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विदाउट डिवीजन सो देट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज यानी कि नीचे दिए हुए जो कुछ नंबर्स हैं उनमें आपको बताना है कि ये 6 का डिविजिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, ठीक है। आंसर में फर्स्टली अपन क्या लिखते हैं, गिवन ने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपन को 66, ठीक है। अब अपन को किसका निकालना है, 6 का डिविजिबल निकालना है, तो जब अपन ये प्रोसेसिंग करेंगे तो इसमें किस तरीके से इनका फैक्टर करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे कि प्लस में 6 आए, तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, 60+6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचते हैं प्लस, यहाँ के अवसर बंद क्योंकि सिक्स अपन कॉमन ले चुके हैं, तो क्या हो जाएगा कि आपको मिलेगा, लास्ट स्टेप नहीं दिख रही होगी, ऊपर लिख दीजिए 6×10+1=11, ये क्या जाएगा 66। तो अपन क्या लिखेंगे क्लियरली, 66 इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 का डिविजिबल है, आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी 3.2, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपन 3.2। एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, 3.2 में देख लीजिए आप, क्या है 3.2 में, कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने, यानी कॉमन फैक्टर्स में क्या है, दो डिजिट आपको दी होगी, फर्स्ट डिजिट का फैक्टर निकालेंगे प्लस सेकंड डिजिट का फैक्टर निकालेंगे, और दोनों में जो भी डिजिट्स कॉमन होंगी वही उनका कॉमन फैक्टर्स कहलाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फर्स्ट देखिए फर्स्ट क्या है 15 एंड 25, देख लीजिए आप इसमें 15 का फैक्टर्स निकाल लीजिए आप,
15 के फैक्टर्स क्या होंगे? फर्स्टली लिखिए आप पहले गिवन ले क्या दिया हुआ है 15 एंड 25 फर्स्ट निकालेंगे हम कॉमन में ही फैक्टर्स लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स क्या होंगे आप देख लीजिए 1, 3, 5, 15 इसमें 30A भी आएगा और 45 भी ठीक है नाउ नेक्स्ट क्या है फैक्टर्स ऑफ 25 फैक्टर्स आप देख लीजिए 1, 5, 20, 25, 50 के बाद में आएगा 75 इन दोनों में दोनों के जो फैक्टर्स हैं इनमें कॉमन क्या अपन को दिख रहा है कौन सा डिजिट दिख रही है 1 है ठीक है 1 दोनों में कॉमन है दूसरा 3 में नहीं है 5 में है यानी कि दोनों डिजिट कॉमन है बाकी आगे की डिजिट मैच हो रही है या नहीं हो रही तो क्या लिखेंगे अपन हेंस क्या करने के लिए ऊपर आपको कितने का होगा हेंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आप क्या है 1 एंड 5 है इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है सी वाला 12 एंड 26 जो कि PDF के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा बट आपको भी करना है सेम मेथड रहेगा और सेकंड क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं ओके अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12 आपको कॉमन मल्टीपल्स बता रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है सेम वही मेथड उस क्वेश्चन में भी रहेगा क्योंकि कॉमन फैक्टर्स भी बता रहे हैं हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फर्स्ट फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 इसमें आपको 8 एंड 12 का कॉमन मल्टीपल बताना है ठीक है ना आंसर क्या होगा फर्स्टली गिवन है क्या दिया हुआ है 8 एंड 12 इसका के मन को कॉमन मल्टीपल्स निकालना है ठीक है तो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या लिख देंगे
ठीक है, अब आती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 और प्राइम नंबर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। जब तक के लिए जो आपके पास में वीडियो पहुंच रही है उसको अच्छे से देखें, पीडीएफ को देखें, नोट्स प्रिपेयर करें अपने और बार बार उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चंस आपके पास पीडीएफ के थ्रू पहुंच रहे हैं वो तो आपको करना ही है, बाकी बुक में प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।